कंफर्म कर देना चाहती हूँ, जो हमारे लर्निंग फ्रेंड माननीय अश्विनी जी सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि ये र्यूमर कहाँ से फैल गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये एफिडेविट नहीं दिया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई का, उसकी जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ना दी जाए। अब मैं आपके यहाँ पर ये एफिडेविट है जो मैं दिखाना चाहूंगी, ये उत्तर प्रदेश के डीआईजी का एफिडेविट है, इसको मैं पढ़ रही हूँ। कंप्लेन्स एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन विटनेस प्रोटेक्शन, इसका पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 का सेकंड पैरा जो है, इसका पॉइंट नंबर 1 है, इसमें फोर्थ लाइन है, द स्टेट गवर्नमेंट फर्दर रिक्वेस्ट दैट द ऑनरेबल कोर्ट मे डायरेक्ट सीबीआई टू सबमिट फॉर नाइटली स्टेटस रिपोर्ट्स ऑन द इन्वेस्टिगेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट विच कैन बी फाइल्ड बाई द डीजीपी यूपी अश्विनी इन जी, हाँ ऑनरेबल प्लीज वेट, सुप्रीम कोर्ट। सीमा जी कंक्लूड कर लें। अब आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर अश्विनी सर वहां पर थे तो ये आर्गुमेंट मैंने कोर्ट में भी किया है सर, कि इसको मॉनिटर भी सुप्रीम कोर्ट करे और इसकी जो रिपोर्ट्स भी है फॉर्टनाइटली वो भी सुप्रीम कोर्ट इसका अपडेट ले, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो सर ये तो एफिडेविट में कह रहे हैं डीआईजी उत्तर प्रदेश, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात सर, देखिए यहां पर जितना भी डिस्कशन हो रहा है मैं सुन रही हूं, जी मेरा कोई भी एजेंडा नहीं है, मैं क्लियर हूं। हमारे देश के आजाद होने के बाद आज तक मेरी कंट्री के अंदर महिलाओं को लेकर के क्या किसी भी गवर्नमेंट ने कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के? क्या इस तरीके की कोई भी आपने लॉ आप मेकिंग पीड़ित की के है? हिसाब से अगर लड़ाई लड़ आपने रही लॉ में हैं अमेंडमेंट तो आपकी करवाया तुलना गिद्ध से की जा रही है। सर सर सर, आप एक, मैं पूरी बात अपनी कंप्लीट करती हूं कि देखिए, एक तो आपने 2012 में जब निर्भया के साथ जो क्राइम हुआ, बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, आईपीसी में चेंज हुआ, आईपीसी में जो 2013 में चेंज हुआ वो उत्तर प्रदेश के डीआईजी नहीं पढ़ते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कहते हैं सीमन नहीं पाया गया। जो लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े ऑफिसर, वो किस तरीके का मीडिया में आके स्टेटमेंट देते हैं? और अश्विनी सर, आई थिंक आपने भी रेप की डेफिनेशन 375 जो सब्स क्लॉज, जो डेफिनेशन क्लॉज है, उसको तो हम सभी ने पढ़ा, हम इस प्रोफेशन में हैं, कि रेप का मीनिंग क्या है, रेप का मीनिंग चेंज कर दिया गया है। दूसरा कि जो मैं अपनी बात कर रही हूं कि जो वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस आए, करीब 7 साल होने जा रहे, आज तक वो रिकमेंडेशंस क्यों लागू नहीं हुए? अगर वो रिकमेंडेशंस लागू हो जाते तो टेम्परेरी तो सस्पेंशन आज नहीं कोर्ट के होता, समक्ष जितना आपने भी ऑफिसर क्या प्रेयर्स नेग्लिजेंसी की है दिखा सीमा रहे जी पीड़ित हैं। की तरफ से? देखिए कोर्ट के सामने हमारी 2-3 प्रेयर थी, एक तो जो एफिडेविट इन्होंने फाइल किया था डीआईजी ने, उसको ही मैंने आर्गुमेंट में पॉइंट बनाया कि ये क्यों आखिर चाह रहे हैं कि रिपोर्ट इनको सबमिट करे सीबीआई। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय मॉनिटर करे सीबीआई को, साथ ही साथ जो भी रिपोर्ट है वो पहले सीबीआई, उस वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको कंसीडर करे, उसको देखे। करेक्ट, दूसरा था जो इंपॉर्टेंट कि हमने इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन जो मूव की उसको एक्सेप्ट करे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट था वो ट्रांसफर के लिए, कि इस केस को दिल्ली में किसी भी न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्यों आप ऐसा क्योंकि क्यों चाहती उत्तर हैं? प्रदेश में हम सभी ने देखा सर, उन्नाव का केस हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और उन्नाव के केस में तो सर एग्जाम्पल ये है कि उस बेटी के फादर की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, बाद में उस बेटी को मरवाने की पूरी कोशिश की गई, उसकी चाची को मरवा दिया गया, उसके अदर फैमिली मेंबर्स को एडवोकेट पर अटैक किया गया। ये तो एक बहुत ही फेमस केस था, लेकिन हम एक और केस एग्जाम्पल देते हैं, जी ललितपुर उत्तर प्रदेश का केस है, 15 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है, उसका पड़ोसी रेप करता है, उस बेटी को जिंदा जला दिया जाता है कैरोसिन डाल करके। जी मुझे 1 महीना लग जाता है इन जो भी कल्प्रिट है उनका अरेस्टिंग करवाने में, अक्यूज का। देन आफ्टर वो परिवार इतना पीड़ित है कि उनके घर पर जाकर के धमकी दी जाती है, उनको कहा जाता मार दिया जाएगा। तो सर किसी ना किसी दिन वो भी न्यूज बन सकती है कि जो पीड़ित परिवार है करेक्ट उसके है। परिवार के सदस्यों को मार दिया गया। तो तो ये देखिए तीन अश्विनी प्रमुख सर भी मांगे थी जुडिशियरी आपकी, में काम प्रेयर्स करते थी। हैं, हम भी हैं सर। सर एक और मैं बात क्लियर कर रही हूं, क्योंकि देखिए जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता विजय है कि जी इन्वेस्टिगेशन आऊंगा कर अश्विनी लिया जी और प्लीज ट्रायल उनको हो गया कंप्लीट तो कर लेने जस्टिस हो दें। गया।
कंप्लीट जस्टिस की बात होनी चाहिए। कंप्लीट जस्टिस में आता है कि जो लोग पैरवी करने वाले हों उनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो, ये बहुत आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है, इस बात को मैं पूरी तरीके से मानती हूँ। मैं एक नहीं उत्तर प्रदेश के सैकड़ों केस हैंडल कर रही हूँ, वो अलग बात है कि हाथरस केस आज थोड़ा सा हाईलाइट है, इसलिए अदरवाइज अदर केसेस में भी यही हो रहा है। और ये मैं हमारे आंकड़े के साथ में गिनवा सकती हूँ एक एक केस। थैंक यू मैम, जस्ट थोड़ा वेट कर लें। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और उत्तर प्रदेश में एमएलसी भी है। उदयवीर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा एफिडेविट क्यों दिया है कि वो सीबीआई की